हेलो फ्रेंड्स, एट फर्स्ट हैप्पी महाशिवरात्रि एंड हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। इस वीडियो में बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी को कवर करने वाली हूँ, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 मार्च से स्टार्ट हुई है। यहाँ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। 7 CPC पैरामेट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल रहेगी। कैंडिडेट का सिलेक्शन डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर होगा। यहाँ मल्टीपल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो गाइज इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट में क्या सीट रहेगी, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, आप कब तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हर रोज क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रिसर्च मेथोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, डिसरिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये वैकेंसी आई है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से, फॉर्मली इसे मेरठ यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। NEC के द्वारा इसे A++ ग्रेड मिला हुआ है। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट ccsuniversity.ac.in को आप ओपन करेंगे, देन आपका इस तरह का पेज आएगा। इसमें आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन शो होगा। 7 मार्च के डेट में एक नोटिफिकेशन है जो कि रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है, रिगार्डिंग कैंपस रेगुलर टीचर पोस्ट। इसे आप ओपन करेंगे तो इस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया हुआ है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 मार्च से स्टार्ट हुई है एंड कैंडिडेट यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई 6 अप्रैल तक कर सकते हैं। हार्ड कॉपी रिसीट करने की लास्ट डेट 20 अप्रैल 2024 है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ लेटेस्ट बाय 20 अप्रैल 2024 बाय रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट। यहाँ एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज है फॉर UR OBC कैटेगरी। SC ST EWS कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपीज है। देन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में क्या क्या इंक्लोज करना है, ये डिटेल दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके इंक्लोज करना है। यहाँ रिजर्वेशन UP स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म के अकॉर्डिंग होगी। अदर स्टेट के OBC SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर जनरल कैटेगरी के रूप में ट्रीट किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एज डिफाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी या एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। बिसाइड फुलफिलिंग एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट क्लियर नेट कंडक्टेड बाय UGC या CSIR। अगर कैंडिडेट PhD अवार्डेड हैं तो नेट सेट स्लेट से एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं, एंड वे सब्जेक्ट जिसमें नेट सेट स्लेट कंडक्ट नहीं होती है उसके लिए नेट सेट स्लेट रिक्वायर्ड नहीं है। देन जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, फॉर प्रोफेसर, कैंडिडेट को उसके एकेडमिक स्कोर के अकॉर्डिंग मार्क मिलेंगे, ये डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। कितने परसेंटेज मार्क्स को कितना ग्रेड मिलेगा आप ये देख सकते हैं। गाइज, अप्लाई करने से पहले इसकी फुल डिटेल को जरूर रीड कर लेंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट है अप्लाई करने के लिए उसकी डिटेल को देख लेते हैं। यहाँ से आप डिपार्टमेंट वाइज सीट देख सकते हैं कि इस पोस्ट में किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट रहेगी। यहाँ पर आपका पोस्ट नेम दिया हुआ है, ये डिपार्टमेंट नेम है, नंबर ऑफ पोस्ट एंड यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल दी हुई है। प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14 रहेगी। टोटल 4 सीट की वैकेंसी है। जूलॉजी में 1 सीट की वैकेंसी है इन UR कैटेगरी। मैथमेटिक्स में 1 सीट की वैकेंसी है इन SC कैटेगरी। बॉटनी में 1 सीट की वैकेंसी है इन SC कैटेगरी। एजुकेशन में 1 सीट की वैकेंसी है इन UR कैटेगरी। देन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 13A रहेगी। इसके लिए यहाँ पर 3 सीट की वैकेंसी है। फिजिक्स में 1 सीट की वैकेंसी है इन OBC। सोशोलॉजी में 1 सीट की वैकेंसी है इन UR। बॉटनी में 1 सीट की वैकेंसी है इन UR। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 रहेगी। टोटल 4 सीट की वैकेंसी है। इंग्लिश में 1 सीट की वैकेंसी है इन UR। स्टेटिक्स में 1 सीट की वैकेंसी है इन UR। सोशोलॉजी में 1 सीट की वैकेंसी है इन EWS। जूलॉजी में 1 सीट की वैकेंसी है इन OBC। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लिंक दिया हुआ है। ओके गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी।
यूनिवर्सिटी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लेंगे। अगर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।